वेलकम बैक गाइस, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि जो US का FDA है, मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आर्टिकल डाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो एंटासिड टैबलेट है रेनिटिडिन, मतलब जो इसके ब्रांड हैं एसिलोक, रेंटेक या जेंटेक, उसमें एक एलिमेंट मिला है जिसे NDMA बोलते हैं, मतलब नाइट्रोसोडी मिथाइलामाइन। उसके अंदर एक एलिमेंट मिला है जिसके कारण कैंसर होता है, और पिछले साल भी यही एलिमेंट हाइपरटेंसिव मेडिसिन के अंदर मिला था, और पिछले साल FDA ने उन सभी मेडिसिन को बैन कर दिया था। लेकिन गाइस, इस बार उन्होंने अभी तक मेडिसिन को बैन नहीं करा है, लेकिन उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आर्टिकल में बताया है कि अगर आप इस टैबलेट का यूज़ करते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसकी जगह कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन उनको बोलें प्रेस्क्राइब करने के लिए, मतलब वो दूसरा एंटासिड आपको लिख देंगे। तो अगर आप इस टैबलेट का यूज़ करते हैं तो अभी इसी वक्त इस टैबलेट का यूज़ करना बंद कर दें जिसके अंदर रेनिटिडिन कॉम्पोजिशन हो। और इंडिया में इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं जैसे रेंटेक या एसिलोक या जेंटेक या आरलोक या रेनिडोम, कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड हैं इंडिया में। और गाइज, अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस आर्टिकल का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो बस इसी इंफॉर्मेशन को लेकर थी। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल रही होगी, और आप अपनी फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस नए अपडेट का पता लग सके। तो गाइज़, मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलूँगा एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।